जो परिणाम आए इसकी ज़रूरत थी, परिणाम देने पड़ेंगे। सवाल किसी पार्टी की जीत का नहीं है, सवाल इस समय है कि जिस किस्म का लोगों में दबाव और प्रेशर और जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है उसके खिलाफ़ ये परिणाम आने थे और आगे इससे भी बुरे आएंगे। मैं साल पहले कह रहा था कि ये कभी नहीं हो सकता, आगे इनका नुकसान होना है, क्योंकि ये भूल चुके हैं कि लोगों ने किस तरीके से इनको, कितने मेहनत मशक्क़त से इनका काम करके इनको आगे बढ़ाया, ये भूल गए हैं सारा कुछ। उसका भी बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने अपने आप को भी साबित किया कि मैं भी, मुझे मत समझिए कि मैं क्या हूँ, मुझे मेरा काम देखिए, उसने चल के दिखाया, अच्छा किया उसने। वो छवि, वो पप्पू की छवि भी कांग्रेस वालों ने बनाई थी, आई नो दैट, मैं जानता हूँ। जब मैं एमपी था तो मैं सेंट्रल में बैठा था, मेरे साथ एमपी बैठे थे और भाई बूढ़े बड़े कुछ और बैठे थे, तो ये उधर से ये आए राहुल जी, तो बीच में बंदा को बोलता पप्पू जी, पप्पू आए, तो ये बात इन्होंने शुरू की थी कि नहीं चाहते थे ये लोग खुद, इसलिए उसको मिनिस्टर ने बनने दिया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बनने दिया था, इसलिए उसको ऐसे ऐसे करके अल्टीमेट ये नाम जो है ये बीजेपी ने इस नाम का पूरा इस्तेमाल किया और लगा के बीजेपी ने बनाया। हाँ, फॉर यू, मेरी, मैं क्योंकि अथेंटिक गवाह हूँ, आई नो क्यों लोग थे, बाकी कोई लोग वो नहीं चाहते थे। भगवान करे अगले प्रणाम जम्मू में हमें मिले, हमारी पार्टी जीते, लोगों का भला हो, हम तो वही जाते हैं, प्रणाम तो लोगों ने देने हैं, लेकिन इधर जम्मू वाले हमें दें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का वोट, बिल्कुल दिल खोल कर ही देना उनको सब कुछ, अब दिल खोल कर मिलना है। पहले 50 सीटें बोलते थे, आजकल बोलते नहीं हैं, मैं कहता था 40 तो फिर आ रही है, तो अब वो 50 भी नहीं बोलते, किस तरह है ये सिंगल डिजिट में चले गए, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती, पाँच भी हो सकती, लेकिन ये सिंगल डिजिट, नोट कर लो मेरी बात, सिंगल डिजिट में है जम्मू में, फॉर योर कन्फर्मेशन। और अगर जम्मू के लोगों ने अपने आप को संभालना और बचाना है तो उनको सेपरेट स्टेट और विद आर्टिकल 371 लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज चारा कोई नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन और हमारा कोई हल नहीं है। धन्यवाद, जय महाराणा प्रताप।